गया पानी इस दलदल में, तो भाई इसको क्रॉस करते हैं। नहीं, लोग कह रहे हैं इसका एयरबैग नहीं खुले, एयरबैग कहाँ खुलेंगे बता। तारगन चिंगम खा पगा पिस्सा तो सैन मार्ग वो भी कौन है। हेलो जी, नमस्ते, राम राम, क्या हाल चाल आप सबके। स्वागत है आपका अपने कोरने व्लॉग में। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि आज अपन अपनी ओला S1 Pro की एक बहुत प्यारी सी राइड लेने वाले हैं, अपनी फर्स्ट राइड मान के चलो आज, क्योंकि आज अपन जाएंगे मेरे गांव अजराजपुरा से जगतपुरा, और इसके बीच आने वाली है बिल्कुल प्यारी सी हाईवे, उबड़ खाबड़ रोड, पानी भरी हुई रोड, ट्रैफिक, सारी चीज़ों का सामना आज अपन करते हैं और देखते हैं अपनी ओला इसमें पास होती है या नहीं होती, क्योंकि अपन ने इसकी वीडियोस देखी तो है कि हर जगह चलती है, आज अपन खुद चला के देखेंगे। और मेरे भाइयों, अंकित भाई कुछ बोल रहे हो, सुबह जो काम किया था। जी बिल्कुल, सुबह से भाई काम बहुत सारा किया है, देखोगे या बोल के बताऊं? बताओ। चलो यार, आप भी देखो और मैं भी देखो, दोनों साथ में देखते हैं, ठीक है? फिर देखो, तो हम ग्वार के खेत में दे रहे हैं भाई दवाई, क्योंकि इसमें हो गया चारा बहुत ज्यादा, तो चारे को जलाने के लिए इसमें कीटनाशक दी जाती है ताकि वो इजीली जल जाए, उसके बाद ननान की जा सके, ताकि जो खरपतवार है उसको हटाया जा सके। तो भाई आपने देख लिया होगा सुबह से ये काम किया अपन ने, फिर ना धोके तैयार होके आपके सामने खड़ा हूँ, और अपन अब बिना देरी करते हुए अपन चलते हैं। तो चलो फिर। तो गाइस, अपनी स्कूटी 100% चार्ज है और 181 किलोमीटर अब तक चल चुकी है, तो अपन चलते हैं फिर। शुरुआत ही होती है भाई इस उबड़ खाबड़ रोड से, यहाँ पे इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है, मुझे चलाने में भी बहुत अच्छा फील होता है। इसके सस्पेंशन वगैरह बहुत स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाईवे बहुत प्यारी है, यहाँ पे तो दिक्कत आने वाली है ही नहीं बिल्कुल भी। कंकड़ पत्थर वाली में भी इसको फिसलने वगैरह का दिक्कत नहीं है, और ऐसी में भी इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत लाजवाब है, और मैं ना स्टेप बाय स्टेप बहुत शॉकिंग होता जा रहा हूँ। और तुम देखो यहाँ पे भी ये इतनी प्यारी चल रही है, क्या बताऊँ इसको, मतलब कि आप स्लो चलाओगे तो कंट्रोल करने में कोई इश्यू नहीं आता, आराम से तुम चला सकते हो, कम से कम स्पीड करो, ऐसे नहीं कि अनबैलेंस हो रही है, अनबैलेंस नहीं होती, आराम से बिल्कुल सीधी चलती है। तो भाई मैं बहुत शॉकिंग था, बहुत ज़्यादा शॉकिंग, बाकी बहुत प्यारी चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन मैं ना एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा हूँ और एक हाथ से इसको चला रहा हूँ, ठीक है ना, सबसे बड़ी रिक्स वाली बात है ये, क्योंकि मेरे पास GoPro नहीं है, फ़ोन है अपने पास। और भाई आ गया पानी इस दलदल में, तो भाई इसको क्रॉस करते हैं, और भाई इसको अपन ने क्रॉस कर लिया है, और ओला S1 Pro इसमें भी पास है 100%, कोई इश्यू नहीं आया, जबकि मैं नॉर्मल मोड में ही इसको क्रॉस कर रहा हूँ, बहुत शानदार है, लाजवाब है। ट्रैफिक वगैरह में कोई इशू नहीं है, आराम से चलती है वापस से, और अच्छी चलती है, अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो आप इको मोड पर चलाइए। और अपन फाइनली पहुंच गए हैं जगतपुरा, 109 किलोमीटर, मतलब कि अप्रोक्स 28 किलोमीटर चल चुके हैं। X440 लिखना नहीं आता तेरे को, हार्ले डेविडसन है ना, कोई बात नहीं। हाँ समझ गया। जा 231 से 230 काम कर बेटा, है ना, हम जाके आ रहे हैं, ठीक है, तू जा अंदर जा काम कर, वो तेरी किताबों का काम कर, ठीक है, ओके, हम जाते हैं, ठीक है, हम कुछ खा के आते हैं, तू जा।
बेटा जा जा रहे नहीं नहीं जाऊंगा भाई हम जा रहे थे केडी को खाना खिलाने लेकिन केडी ने ना यार फॉर्च्यूनर पलटी खिला दी हमारी केडी से भूख हो रहा है केडी से बस और तो क्या भाई इसके एयरबैग नहीं लोग कह रहे हैं इसका एयरबैग नहीं खुले एयरबैग कहाँ खुलेंगे बता मेरी गाड़ी पलटी खा गई यार केडी ने गाड़ी ना पलट दी इस चक्कर में ना सारा सिस्टम खराब कर दिया हमारा नवीन अपडेट ले रहा है वहाँ पे ये देखो कैसे खड़ा हाथ पीछे करके बड़े बड़े गांव में बड़े बुजुर्ग खड़े रहते हैं वैसे खड़ा है नवीन यहाँ पे अपडेट ले रहा है इन भाई साहब से सुन रहा है क्या हो गया कोई बात नहीं लेकिन यहाँ पे किसी का भी नुकसान नहीं हुआ है कुछ भी नहीं हुआ बस गाड़ी का नुकसान हुआ है सब बच गए कोई दिक्कत नहीं उधर से क्रॉस होके आई है बातचीत करके नवीन उधर से डिवाइडर क्रॉस करके यहाँ पे पलटी खाई है सर आप मुझे पता लगा कि सामने कुत्ता आया था सर अच्छा सामने कुत्ता है गाड़ी पलट दी इसलिए हमने ओला मंगवा ली ओला में जाएंगे तीनों भाई अब चलो आपने में हमारे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा अनलिमिटेड पिज्जा वाला देख लो भाई ने दुकान ही बंद कर दी है दोबारा हम आए दुकान बंद है यहाँ पे बताओ फिर हम चाय पी के जाएंगे मंगल वाले के मौसम हो रहा है बढ़िया एकदम और अंकित भाई ले रहे हैं ओला S1 राइड का मजा और ये अपन अभी है हल्दी घाटी रोड पे जो सीधा टोंक रोड की तरफ जा रहा है अभी और अभी हम लेंगे सर्विस रोड पे सीधा ले लो भाई सीधा और अभी हम जा रहे हैं कैफे एरिया में थैंक यू तो भाई पार्टी दे रहे हैं पिछले साल की बकाया तो और अब आ चुके हैं हम इधर तारगन चिंगम खा पगा पिस्सा तो सन मार्ग वो भी कौन है बैठ जा और अंकित भाई के पीछे पड़ गई है पैसे लेने के लिए ताकि मेरे को बिठाओ या तो या फिर पैसे दो या फिर ये गाड़ी मेरे नाम करो ये बोल रहे हैं कि मैं गरीब आदमी हूँ पैसे नहीं है पूरे मैंने इसमें खर्च कर दिए क्या हो गया YouTube हैंग हो गया ये लो भाई ये देखो भाई 154,000 लाइक है यहाँ पे 14,154 कमेंट्स है और गाने पे व्यूज देखोगे आप तो 57 के मतलब अभी लोग कंटिन्यू देख रहे हैं इस गाने को इतने क्रैश हो गए ना M16 कोई सिस्टम तो बिगड़ तो नहीं गया इसका लाइक फर्जी बढ़ा दिया व्यू बढ़ा रहा है व्यू बढ़ा रहा है पैनल से ओए लाइक तो पहले बढ़ा दिया आपको चला रहा हूँ और मेरे को तो इसकी सर्विस बेस्ट लगी है नॉर्मल मोड में मैंने इसको ज़्यादा यूज किया है और भाई ऐसी ऐसी दलदल में से मैं निकला हूँ ना वहाँ पे अगर पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल भी हो ना तो ऐसे डायरेक्ट अटकेगी लेकिन भाई इसका हाइपर मोड मतलब कि क्या बताऊँ दीवार पे चढ़ जाए एक बार तो ये बहुत लाजवाब है बाकी आगे देखते जा बाकी आगे देखते हैं कैसी इसकी सर्विस मिलती है गाइस अभी पहुंच गए अपन घर पे भाई आज तो हालत ख़राब हो गई आपने देखा होगा बहुत खतरनाक वाली एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग आज की बाकी अपन बैठते हैं सांस लेते हैं सांस चैन की हाँ जी तो मेरे भाइयों खाना वाना खा पी के अपन हो गए फ्री और अब मैं करूँगा एडिटिंग आज के इस व्लॉग का अपन यही प्लान करते हैं आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय राम राम और ख्याल रखना अपना